अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास बेटा, आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 का आज लेक्चर नंबर 4 है और टॉपिक है आपका कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, इंसान के स्केलेटन के हिस्से, इंसान के स्केलेटन के हिस्से, ये आपका टॉपिक है। द 206 बोन्स इन द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन आर ऑर्गेनाइज इंटू लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस i.e. the axial skeleton to which appendicular skeleton is attached। आपको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। जब वो बड़ा होता जाता है और बालिग इंसान बन जाता है तो छोटी छोटी हड्डियां उसकी मिल जाती हैं और फिर कितनी हड्डियां होती हैं बालिग इंसान में? 206। सो द 206 बोन्स इन द एडल्ट, बता भी दिया है 206 बोन किस में होती है? एडल्ट में। बेबी में कितनी? 300। सो 206 बोन इन द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन आर ऑर्गेनाइज इनटू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के 206 हड्डियां जो बालिग इंसान के अंदर होती हैं वो तरतीब पाती हैं एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है? द एक्सियल स्केलेटन, यानी कि जिस्म की लंबाई में। और इसके साथ कौन सा स्केलेटन जुड़ा होता है? टू विच अपेंडिकुलर स्केलेटन इज अटैच्ड। अपेंडिकुलर स्केलेटन ये होगा हाथ की हड्डियाँ और लेग्स की हड्डियाँ, ठीक हो गया। ये वाला जो स्केलेटन होगा ये होगा अपेंडिकुलर, 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 जबकि ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है ये कौन सा स्केलेटन होता है? एक्सियल स्केलेटन। सो दो स्केलेटन आपने बनाने हैं, एक एक्सियल बनाना है और एक अपेंडिकुलर आपने स्केलेटन बनाना है। सो द 206 बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन आर ऑर्गेनाइज इनटू ए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन द एक्सियल स्केलेटन टू विच अपेंडिकुलर स्केलेटन इज अटैच्ड। तो आपने क्या देखा कि 206 हड्डियां होती हैं और उनको हम उस कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन को दो में डिवाइड कर देते हैं। एक हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, जो कि आपके बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में रन करता है, और दूसरा जो हिस्सा होगा आप पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो आपने इंसान के स्केलेटन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू टू, द एक्सियल स्केलेटन दैट रन अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड अदर वन दैट इज अटैच्ड टू द एक्सियल स्केलेटन इज द अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 80 बोन्स होती हैं इन द हेड एंड इन द ट्रंक ऑफ द बॉडी। ठीक, जो एक्सियल स्केलेटन होता है इसमें टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 80 बोन्स होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 206। 80 हो गई इधर, इधर पर कितनी होगी? 126 बोन्स। सो एक्सियल स्केलेटन में 80 हड्डियाँ होती हैं। और ये किस किस जगह होती हैं? ये एक तो हेड में होती हैं 80 बोन्स और दूसरी कहाँ होती हैं? ट्रंक में होती हैं, छाती में होती हैं। सो एक्सियल स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ 80 बोन विच आर प्रेजेंट इन द हेड एंड इन द ट्रंक। एक्सियल स्केलेटन में 80 हड्डियां होती हैं जो कि सर और ट्रंक में मौजूद होती हैं। अब एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या शामिल है? इट इज कंपोज्ड ऑफ 5 पार्ट्स। एक्सियल स्केलेटन 5 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। कितने पार्ट्स पे? 5 पार्ट्स पे। पहला पार्ट स्कल, खोपड़ी। इट कंटेन 22 बोन्स। स्कल के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 22 बोन्स होती हैं। हम एक्सियल स्केलेटन की डिटेल पढ़ रहे हैं और एक्सियल जो स्केलेटन है उसके कितने पार्ट्स होंगे? एक्सियल स्केलेटन के 5 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट होगा स्कल और स्कल के अंदर बोन की तादाद है 22, आउट ऑफ विच 8 आर क्रेनियल बोन। उनमें से जो 8 होंगी, 22 में से जो 8 होंगी वो क्रेनियल बोन होंगी। क्रेनियल बोन्स कौन सी होती हैं? एनक्लोज इन द ब्रेन। वो क्रेनियल बोन आर द बोन दैट एनक्लोज द ब्रेन। वो हड्डियाँ जो ब्रेन की हिफाजत करती हैं, वो हड्डियाँ जो ब्रेन को एनक्लोज करती हैं, वो हड्डियाँ जो ब्रेन को बंद करती हैं,
उनको क्रेनियल बोन्स कहते हैं और उनकी तादाद कितनी होती है 8 एंड 14 आर फेशियल बोन्स। जो 14 होती हैं 14 हड्डियाँ होती हैं वो फेशियल बोन होती हैं और हमारा फेस बनाती हैं, हमारा चेहरा बनाती हैं। सो 14 कौन सी होगी? फेशियल बोन। 8 क्या होगी? क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन एनक्लोज द ब्रेन, क्रेनियल बोन जो होती है वो ब्रेन को एनक्लोज करती हैं। और 14 क्या होती है? फेशियल बोन जो हमारा फेस बनाती है। 8 एंड 14 मिलके बनती है 22 बोन। सो एक्सियल स्केलेटन में स्कल आपने पढ़ा कि स्कल के अंदर 22 हड्डियाँ होती हैं जिसमें से 8 क्रेनियल हड्डियाँ होती हैं जो कि ब्रेन की हिफाजत करती हैं और 14 फेशियल बोन्स होती हैं। दूसरा हिस्सा, देयर आर 6 मिडिल एयर ऑसिकल। 6 मिडिल एयर ऑसिकल, हमारा जो एयर होता है इसको देखते हैं, एयर ह्यूमन एयर, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक पहला पार्ट होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल एयर, एक्सटर्नल एयर। और एक्सटर्नल एयर में जो ये वाला हिस्सा है इसे कहते हैं पिन्ना, और ये जो होती है इसे कहते हैं ऑडिटरी कैनाल, और ये क्या है? एयर ड्रम, एयर कान का पर्दा, कान का पर्दा। एयर ड्रम के बाद मिडल एयर शुरू हो जाता है। कौन सा एयर? मिडल एयर शुरू हो जाता है और वहां पे 3 हड्डियां होती हैं। एक होती है मेलियस, इंकस और सबसे छोटी हड्डी स्टेपेस, और इनको बोलते हैं मिडल एयर ऑसिकल। कितनी है? 1, 2, 3। इस कान में भी 3 है और दूसरे कान में भी कितनी होती हैं? 3। सो 3 इस कान में, 3 उस कान में, टोटल कितनी हो गई? 6। इनको कहते क्या है? मिडल एयर ऑसिकल, यानी कि दरमियानी कान में, मिडल एयर दरमियानी कान में पाई जाती है। ऑसिकल छोटी हड्डियां होती हैं। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं ओवल विंडो। इस ओवल विंडो के बाद, इस ओवल विंडो के बाद क्या शुरू हो जाता है? इनर एयर शुरू हो जाता है, और इनर एयर के बहुत सारे हिस्से होते हैं। उसमें एक वेस्टिब्यूल होता है, एक कॉक्लिया होता है, और बाकी क्या होती हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी होती हैं। ठीक हो गया, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये कॉक्लिया है, ये वेस्टिब्यूल है। ठीक हो गया, तो ये इनर एयर है। सो हमारा एयर जो होता है उसके 3 हिस्से होते हैं, बैरूनी कान, दरमियानी कान, अंदरूनी कान। जो मिडिल एयर है उसमें क्या होती हैं? चेन की शक्ल में जुड़ी होती हैं 3 छोटी छोटी हड्डियाँ, जिनको बोलते हैं मिडिल एयर ऑसिकल। एक कान में 3 है, दूसरे कान में भी कितनी? 3। सो दूसरा जो कंपोनेंट है एक्सियल स्केलेटन का वो होती है 6 मिडिल एयर ऑसिकल, 3 इन ईच एयर, 3 इन ईच एयर। 6 मिडिल एयर ऑसिकल होती हैं, 6 दरमियानी कान में पाए जाने वाली छोटी हड्डियाँ होती हैं, यानी कि हर कान में 3 हड्डियाँ, हर कान में 3 ऑसिकल। ये 2 हिस्से हो गए। अगला हिस्सा, तीसरा हिस्सा, 5 कंपोनेंट आपने पढ़ने हैं। तीसरा हिस्सा, देयर इज ऑल्सो ए हायड बोन इन द नेक। याद रखना, हमारी गर्दन में बेटा कौन सी बोन होती है? हायड बोन होती है, जो कि गर्दन में होती है, नेक में होती है। आगे चौथा हिस्सा देखते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कंटेन 26 बोन और वर्टिब्री। वैसे 33 होती हैं लेकिन आपकी बुक इनको 26 कह रही है तो हम 26 देखेंगे। वर्टिब्रल कॉलम, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जिसको बैक बोन कहते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं और हर छोटी हड्डी को आप वर्टिब्रा कहते हो। चौथा हिस्सा छाती, पाँचवा हिस्सा चेस्ट है। चेस्ट इज मेड अप ऑफ चेस्ट बोन। चेस्ट के अंदर क्या होती है? चेस्ट बोन होती है जिसका प्रॉपर नेम है स्टर्नम, स्टर्नम। ठीक हो गया, तो चेस्ट के अंदर एक छाती की हड्डी होती है जिसको स्टर्नम कहते हैं। आपकी बुक भी बता रही है कि छाती की हड्डी होती है जिसको स्टर्नम कहते हैं, एंड 24 रिब्स होती हैं, और उन 24 रिब्स के जो पेयर बनते हैं वो कितने बनते हैं? 12 पेयर बनते हैं। सो टोटल जब इनको मिलाएंगे तो आपकी कितनी हड्डियाँ बनेंगी? ये 80 बोन्स बनेंगी। सो देख लें बेटा, एक्सियल स्केलेटन आपने देखा, एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स एंड दे आर प्रेजेंट इन द हेड एंड द ट्रंक ऑफ द बॉडी। इट इज कंपोज्ड ऑफ 5 पार्ट्स, इसके 5 पार्ट्स होते हैं।
एक्सल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होती हैं, जिनके पांच हिस्से आपने करने हैं। एक स्कल हेडिंग देख लें, एक स्कल, दूसरे नंबर पर सिक्स मिडल जरासिकल, फिर हायड बोन, फिर वर्टिब्रल कॉलम और फिर चेस्ट। इसी तरह आपने इसके पांच पार्ट्स बनाने हैं। एक्सल स्केलेटन में 80 हड्डियाँ होती हैं जो कि हेड और ट्रंक में होती हैं, और एक्सल स्केलेटन के पांच हिस्से हैं। पहला हिस्सा स्कल है, स्कल में टोटल बोन 22 हैं, और इन 22 में से 8 आर क्रेनियल बोन दैट एनक्लोज द ब्रेन। 8 क्रेनियल हड्डियाँ कहलाती हैं जो कि दिमाग को बंद करती हैं, दिमाग की हिफाजत करती हैं। एंड 14 आर फेशियल बोन, और 14 जो बाकी 14 रह गई हैं वो फेशियल हैं। सो टोटल मिला के 22 स्कल होती हैं, उसमें से फिर 8 क्रेनियल होती हैं और 14 फेशियल होती हैं। दूसरा हिस्सा 6 मिडल एयर आसिकल होती हैं, देर आर 6 मिडल एयर आसिकल, 3 इन ईच एयर। आगे तीसरा हिस्सा, देर इज ऑल्सो ए हेड बोन इन द नेक। एमसीक्यू से पूछा जाता है कि हेड बोन कहाँ पे पाई जाती है, किसके अंदर होती है, नेक में होती है। कितनी होती है हेड बोन, एक होती है। देर इज ऑल्सो ए हेड बोन इन द नेक। वर्टिब्रा कॉलम कंटेन 26 बोन एंड ईच बोन इज कॉल्ड वर्टिब्रा, सो देर आर 26 वर्टिब्री। द चेस्ट इज मेड अप ऑफ ए चेस्ट बोन, छाती के अंदर एक हड्डी होती है जिसे छाती की हड्डी या स्टर्नम कहते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, 24 रिब्स होती हैं या 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। सो टोटल अगर इनको काउंट करें, स्कल 22 प्लस 6 मिडल जरासिकल, ये बनेंगे 28, वन हेड बोन 29, 26 वर्टिब्री ये बनेंगे 55, एंड चेस्ट बोन 56 एंड 24 रिब्स 80 बोन्स। सो दीज आर द 80 बोन विच आर प्रेजेंट इन द longitudinal axis of the body that is called axial skeleton. Now we come to the appendicular skeleton. Here the total bones are 126. यहाँ पर total bone कितनी होती है, 126 होती है। देखते हैं इनको, appendicular skeleton यानी कि हमारे जो बाजू हैं और हमारे जो टांगे हैं उनकी हड्डियाँ देखने लगे हैं। द अपेंडिकुलर स्केलेटन इज कम्पोज ऑफ 126 बोन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हड्डियों की तादाद 126, 126। अब पेक्टोरल गर्डल इज मेड अप ऑफ 4 बोन। अभी हम शुरू किया है हमने पेक्टोरल गर्डल और आर्म को देखना है हमने, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल को आप शोल्डर गर्डल भी बोलते हो, पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल या कंधे का गर्डल, ठीक है। इसमें कितनी बोन्स होती है, 4 बोन होती हैं, एक क्लेविकल की होती है और एक स्कैपुला की होती है। सो दो इस राइट साइड पे होती हैं और दो लेफ्ट साइड पे होती हैं, एक क्लेविकल और एक स्कैपुला, ठीक है। सपोज बेटा ये हमारी छाती है, इसमें एक हड्डी होती है इसे कहते हैं क्लेविकल बोन, और यहाँ पे एक बड़ी हड्डी होती है उसे कहते हैं स्कैपुला। तो दिस क्लेविकल दिस स्कैपुला, इस साइड पे भी क्लेविकल और इस साइड पे क्या, स्कैपुला। सो 1 2 3 4, सो इस जगह को बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल, और यहाँ से आपका हाथ या बाजू शुरू हो जाता है, यहाँ से आपका हाथ या बाजू शुरू हो जाता है। सो पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल इज मेड अप ऑफ 4 बोन, एक क्लेविकल दूसरा स्कैपुला, एक क्लेविकल दूसरा स्कैपुला। सो दो हड्डियाँ इस साइड पे हैं, दो हड्डियाँ इस साइड पे हैं। सो आप कहेंगे पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 4 बोन्स होती हैं। आगे चलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है बेटा उसमें 126 बोन्स होती हैं, और मैं आपको अब डायग्राम से समझा देता हूँ कि किस तरह 126 बोन्स बनती हैं। पेक्टोरल गर्डल, ये सपोज बेटा ये हमारी बॉडी है, तो यहाँ पे एक हड्डी होती है उसे कहते हैं क्लेविकल की हड्डी, ठीक हो गया। और ये स्कैपुला होता है, जो हमारा बिल्कुल कंधा होता है उसकी जो बड़ी हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं, हम स्कैपुला कहते हैं। उसके साथ एक हड्डी जुड़ी होती है उसे कहते हैं क्लेविकल बोन। इस क्लेविकल बोन को और स्कैपुला को मिला के बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल। क्या कहते हैं बेटा, इस हड्डी को और इस हड्डी को, ये बिल्कुल छाती में होती है, छाती के बिल्कुल ऊपर अगर हाथ लगाएं तो एक बारीक हड्डी जा रही होती है ऊपर ऊपर छाती के। इस साइड पे भी एक हड्डी होती है और इस साइड पे भी एक हड्डी होती है, और यहाँ पे दरमियान में स्टर्नम होती है, छाती की हड्डी, वो एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा थी। तो एक साइड पे इधर एक क्लेविकल है और स्कैपुला है, इधर भी एक क्लेविकल और इधर भी एक स्कैपुला है। इन दो हड्डियों को आप कहते हो पेक्टोरल या शोल्डर गर्डल, ठीक हो गया। सो क्लेविकल एंड स्कैपुला दे आर कॉल्ड पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल। दो लेफ्ट साइड पे हैं और दो राइट साइड पे हैं। सो पेक्टोरल या शोल्डर गर्डल में टोटल हड्डियां कितनी हैं, 1 2 3 4। सो पेक्टोरल या शोल्डर गर्डल में टोटल हड्डियां कितनी हैं, 4 बोन। सो पेक्टोरल एंड शोल्डर गर्डल इज मेड अप ऑफ 4 बोन। आगे चलते हैं आर्म की बात करते हैं। आर्म है 6 बोन, आर्म्स है
सिक्स बोन, मैंने एक आर्म शो किया है, दूसरा आर्म आप ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट कर लोगे उसकी बोन्स को, ये हमारा आर्म है। और देखिए ऊपरी आर्म होता है उसमें एक हड्डी है जिसे ह्यूमरस कहते हैं, जो निचला आर्म है उसमें दो हड्डियां होती है, एक रेडियस होती है और एक अल्ना होती है। सो एक आर्म के अंदर, इस लेफ्ट आर्म के अंदर कितनी हड्डियां हैं, एक दो तीन, इसका नाम ह्यूमरस होता है, इसका नाम रेडियस होता है और इसका नाम अल्ना होता है। सो इसी तरह उस हाथ में भी होंगी, एक ह्यूमरस, एक रेडियस और एक अल्ना। सो एक दो तीन चार पाँच छः, सो इसमें तीन, उसमें भी तीन, सो टोटल मिला के आर्म है सिक्स बोन्स। आर्म के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, सिक्स बोन। बोथ हैंड्स है 54 बोन। अगर हैंड की बात करें दोनों हाथों में 54 होती हैं, एक हाथ में कितनी होंगी 27 होंगी, एक हाथ में वन हैंड में कितनी होंगी 27, दोनों में कितनी 54। कैसे, हैंड की बात करते हैं, ये हड्डियां बेटा इनको बोलते हैं कार्पल बोन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो क्या है रोज हैं, दो कतारें हैं उनकी, एक एक रो में भी चार हैं, दूसरी रो में भी चार हैं, टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 8। इनको कहते हैं कार्पल बोन। इन कार्पल बोन के बाद पांच होती है मेटाकार्पल, 1 2 3 4 5, सो 8 और 5 13। अंगूठा जो होता है हमारा उसमें दो छोटी हड्डियां होती हैं, उनको फिलेंजेस बोलते हैं, 1 2, बाकी उंगलियों में तीन तीन होती हैं छोटी छोटी हड्डियां, 1 2 3 1 2 3, तो इनको जब मिलाते हैं तो फिलेंजेस बनती हैं 14, ये बनती हैं 5, ये मिला के बनेगी 19, और 19 और 8 27। सो एक हाथ में कितनी होती हैं 27 हड्डियां होती हैं। ये हमारा पेक्टोरल गर्डल कवर हुआ, पेक्टोरल या शोल्डर गर्डल में चार हड्डियां होती हैं, 1 2 3 4, आर्म में 6 हड्डियां होती हैं, 1 2 3, और उसमें भी 3 6। बोथ हैंड है 54, एक हैंड में भी कितनी है 27 और दूसरे हैंड में भी कितने 27, सो बोथ हैंड है 54 बोन्स। अब आ जाते हैं टांग पे, नीचे आ जाते हैं, और इसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल, हैज टू बोन। ये जो जगह है ये हमारी हिप बोन है, कोले की हड्डी है, इसको आप पेल्विक गर्डल भी बोल सकते हो, हिप गर्डल भी बोल सकते हो। तो आप क्या देखने लगे हो, पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल, कोले की हड्डी एक होती है लेफ्ट साइड पे और एक होती है राइट साइड पे। सो पेल्विक गर्डल में टोटल हड्डियां कितनी है 2, पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल में टोटल हड्डियां कितनी है 2, ये भी हिप बोन है और ये भी हिप बोन है, एक इधर है और एक इधर है, टोटल पेल्विक गर्डल में या हिप गर्डल में कितनी बोन्स होती हैं 2। सो पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल में टोटल बोन्स कितनी होती हैं 2। लेग्स हैव 6 बोन, लेग्स के पास ये सारी लेग है, लेग्स के पास कितनी बोन्स है 6 बोन है, दोनों लेग्स की बात हो रही है। ये हमारी रान है, ये हमारी थाई है, और इसमें एक हड्डी होती है इसको बोलते हैं फीमर, उसके बाद एक होती है टीबिया और एक होती है फिबुला। तो निचले जो निचली जो टांग होती है उसमें दो हड्डियां होती हैं, ऊपरी टांग में एक बड़ी हड्डी और निचली दो टांगों में टीबिया और फिबुला और ये फीमर, ठीक हो गया। सो 1 2 3, तीन इस टांग में है और तीन उस टांग में होंगी, सो दोनों टांगों के अंदर टोटल हड्डियां कितनी होती है बेटा 6 हड्डियां होती हैं। और अगर पाँव की बात करें दोनों पाँव में कितनी हड्डियां होती हैं 54, बोथ फीट है 54 बोन, इसका मतलब एक फीट में एक पाँव में कितनी होती हैं 27, ये देख लें 27 हड्डियां, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको बोलते हैं टार्सल बोन, कितनी है 8, इनको बोलते हैं मेटा टार्सल, वो बेटा कार्पल थी, ये कार्पल 8 कार्पल 5 मेटाकार्पल और 14 फ्लेंजेस, टोटल मिला के कितनी 27, एक हाथ में 27 दूसरे हाथ में टोटल 54। इसी तरह ये है टार्सल, ये टार्सल 8 टार्सल 5 मेटाटार्सल और 14 फ्लेंजेस, टोटल मिला के कितनी बनती है 27। सो एक फीट में 27, दूसरे में भी कितनी 27, सो बोथ फीट है 54 बोन्स। तो ये आपने देखा बोथ फीट है 54 बोन, बोथ लेग्स हैव 6 बोन, पेल्विक गर्डल एंड हिप्स हैज 2 बोन। सो ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन कवर हुआ। दो मैं आपको एमसीक्यूज बना देता हूँ, एमसीक्यूज बता देता हूँ। एक एमसीक्यूज बनता है कि आपके जिस्म की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मिडल ईयर में, अगर आप अगर मिडल ईयर में जाओ तो वहाँ पे मैंने एस लिखा हुआ है, मैंने कहा था स्टेपिस, स्टेपिस हमारे जिस्म की
सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, याद रखिएगा एमसीक्यूज़ बेटा, ये हम एक और चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यहाँ भी पता हो कि स्टेपेस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। स्टेपेस हमारे जिस्म की सबसे छोटी हड्डी है, जबकि ये हड्डी थाई की हड्डी, जिसको आप उर्दू में कहोगे रान की हड्डी, हमारे जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी है। ऊपरी जो हमारी टांग होती है, लेग होती है, जिसको थाई कहते हैं, रान की हड्डी फीमर हमारे जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी है। द थाई बोन इज द लार्जेस्ट और द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म में रान की हड्डी सबसे लंबी हड्डी है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपेस है। सो ये दो एमसीक्यूज भी आपने कवर किए। सो ये टॉपिक आपका कवर हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। अल्लाह हाफिज़।